पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने प्रेस वार्ता कर बताया गया कि शहर में गुना रोड स्थित आदर्श कॉलोनी पवन ब्रेड फैक्ट्री के मालिक छोटेलाल कुशवा को दिनांक 5 नवंबर 2019 को किसी अज्ञात व्यक्ति ने लोहे के 5 किलो के बाट को सर में मारकर हत्या कर दी, जिसकी रिपोर्ट व्यवसायी के पुत्र पवन कुशवा निवासी काछी मोहल्ला थाना ब्यावरा में दर्ज कराई थी। ब्यावरा थाना प्रभारी DP लोहिया ने वरिष्ठ अधिकारियों से दिशा निर्देश प्राप्त कर कार्रवाई करते हुए आदर्श नगर कॉलोनी ब्यावरा पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। राजगढ़ से फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को बुलाकर घटना स्थल का निरीक्षण कराया एवं छोटेलाल कुशवा के छोटे पुत्र नितेश कुशवा से घटना के बारे में पूछताछ की गई एवं ब्रेड फैक्ट्री में काम करने वाले कमल सिलावट से पूछताछ की गई। कमल सिलावट ने अपने सेठ छोटेलाल कुशवा सोनू कंडेरा को मोटरसाइकिल से रेलवे स्टेशन छोड़ना बताया। संदेहित सोनू कंडेरा के किराए के घर दौलत नगर ब्यावरा में आने की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल दबिश देकर पकड़ा गया। पूछताछ करने पर संदेहित सोनू कंडेरा पिता गोपाल कंडेरा निवासी ताल मोहल्ला रोड ब्यावरा हाल दौलत नगर ब्यावरा ने छोटेलाल कुशवा की हत्या करना कबूल किया, जो बताया कि मजदूरी के पैसे मांगने पर मृतक छोटेलाल कुशवा द्वारा गाली गलौज करने पर गुस्से में आकर लोहे के 5 किलो के बाट से 3-4 बार वार कर हत्या कर दी। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी DP लोहिया, उप निरीक्षक ML यादव एवं की टीम का विशेष योगदान रहा। ब्यावरा से नीरज साहू की रिपोर्ट। छोटेलाल कुशवा जी जो यहाँ आदर्श नगर कॉलोनी गुना रोड में इनका ब्रेड फैक्ट्री थी, इसमें इनके पुत्र पवन कुशवा ने एक रिपोर्ट करी थी कि जब इनको जाके देखा तो मृत अवस्था में पड़े हुए थे। इनके सर पे बहुत गंभीर चोटें थी, साथ ही साथ इनका काफ़ी ब्लीडिंग हुआ था जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुए SDOP ब्यावरा नाहर और थाना प्रभारी DP लोहिया इन दोनों ने मौके पर जाकर कार्रवाई की, जो सब पंचनामा वगैरह किया। इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर जो FSL टीम है और जो हमारे फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स हैं प्लस जो डॉग स्क्वाड है और जो साइबर की टीम है, हमने चारों टीम को यहाँ पर तत्काल भेजा और इन्होंने आपस में कोऑर्डिनेशन करते हुए लेस देन 24 आवर्स में 24 घंटे के अंदर ही अंदर इस मर्डर का खुलासा कर लिया। जब इसमें साक्ष्यों को देखा गया तो इन्हीं के यहाँ काम करने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि मृतक श्री छोटेलाल कुशवाहा को सोनू कंडेरा नाम का व्यक्ति, जो इनके यहाँ पहले काम करता था, करीबन 10-15 दिन पहले काम किया हुआ है, इसके साथ रेलवे स्टेशन पर ड्रॉप किया था। तब हमने आसपास के वीडियो फुटेज का डालना शुरू किया। 2:22 पर इन दोनों को यहाँ पर साथ में देखा गया था, जिसके बाद पहला संदेह जैसा पुलिस को फुटेज मिला और जैसे साक्ष्य मिले उसके अनुरूप तत्काल सोनू कंडेरा की धरपकड़ के प्रयास शुरू किए गए और जल्द ही पुलिस को सफलता भी मिली और हमने जब इससे एक मतबी से पूछताछ करी तो इसने अपना मर्डर करना कबूल किया। इसका मुख्य कारण यह है कि इनके बीच में कुछ पैसे, जो ये मजदूरी किया था सोनू कंडेरा, उसको लेकर पैसे के लेन देन का कुछ विवाद था। रात में इन्होंने साथ में चाय पी है लौट कर, उसके बाद जब इन्होंने पैसे की मांग करी, इसी बीच में छोटेलाल कुशवाहा जी ने एक थप्पड़ इसमें सोनू कंडेरा में मार दिया और उसके बाद उसने आवेश में आके वहाँ रखे हुए 5 किलो के पार्ट से इनके सर पे हमला कर दिया और हमले की वजह से जो ब्लीडिंग हुई उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। ये वहाँ से फरार हो गया और फिर कल पूरे टाइम भागा रहा, इनके घर को भी दबिश दी गई, आखिरकार हमें इस मामले में सफलता हासिल की। ये बहुत ही गंभीर घटना थी और बहुत ही संवेदनशील घटना थी। तत्काल इसका संज्ञान लेते हुए 24 घंटे के अंदर ब्यावरा पुलिस ने इसका खुलासा किया है। इसमें अहम भूमिका SDOP साहब, थाना प्रभारी DP लोहिया, सब इंस्पेक्टर ML यादव, जगदीश गोयल, राम गोपाल साहू, सुरेश कुमार मांझी, ASI ध्रुवे, प्रधान आरक्षक सुनीता भावर, आरक्षक देशराज मीना, मलवीर सिंह मीना, राहुल शाकेवार, प्रशांत दुबे, इन सबका विशेष योगदान रहा। साथ ही साथ हमारे FSL के डॉक्टर, हमारी साइबर की टीम और डॉग स्क्वाड, इन सभी इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमने इसमें कई तरह के साक्ष्य भी एकत्र किए, इसमें फिंगरप्रिंट्स, साइबर जो एविडेंसेस हैं वो भी हमने इसमें शामिल किए और हम प्रयास करेंगे कि इसमें हम जल्दी से जल्दी इसमें सुधार करा सकें। इन सबके इस मेहनत के लिए 5,000 रुपये दंड विधान देने की घोषणा की। सर, कितने रुपए की लेन देन का है मामला? ये बहुत कम रुपए की लेन देन का मामला था, ये मेहनत मजदूरी का लेन देन का मामला था, लेकिन